कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गोलोक वृंदावन धाम से स्वयं कृष्ण इस भौम वृंदावन धाम में जो लीला आदि प्रकट कराते हैं उसके मुख्य कारण और गौण कारण के बारे में हम लोग कुछ आलोचना कर रहे थे। मुख्य कारण पर ही तो श्रवण किया, अभी गौण कारण के बारे में वर्णन हो रहा है जिसमें भूभार हरण के लिए देवताओं के साथ संग पृथ्वी देवी गुरूप धारण करके खीच समुद्र के निकट छेरसाई शेषय भगवान विष्णु के निकट गए और उस समय भगवान विष्णु ने अपने सिर से मस्तक से दो एक सफेद बाल और एक काले बाल उखाड़ करके बोले मेरे परम पुरुष स्वयं भगवान कृष्ण कलि युग ए द्वापर युग में अंत में प्रकटित हो करके समस्त रूपकारी भूभार हरण करेंगे। इसलिए कृष्ण बलराम ये प्रकट होंगे, कृष्ण बलराम प्रकट होंगे इसके बारे में बताए। और जिस कथा में जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थाने अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब धर्म के पुनस्थापन करने के लिए स्वयं भगवान अपने को प्रकट करके धर्म स्थापन आदि करते हैं। परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम्, इस प्रकार साधुओं की रक्षा एवं असुरों की निधन आदि करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। स्वयं भगवान लीला आदि के द्वारा विशेष करके बलि महाराज की कन्या रत्नावली
और वामन महाराज के सौंदर्य आदि देख करके मोहित हुए और उनके स्तनपान कराने के लिए विचार किए। जब वामन देव भगवान बलि महाराज के सर्वस्व हरण कर लिया और उनके सुतल लोग में भेज दिया, तब रत्नावली ने वामन देव के निकट ये कहने लगे, यदि आप मेरे पुत्र हो मैं तुम्हें स्तन में विष लगा करके मार डालूंगा। उस समय मानिमन भगवान भी यह कहा दिया, मैं भगवान होने के तुम तो मार नहीं सकते हो, अवश्य तुम्हारा वांछा पूरा करूँगा। इसलिए वही सुरपुण वह रत्नावली पुतना होकर के प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण पुतनावध निधन किया। राम अवतार में शूर्पणखा, राम दंडकारण्य में भगवान रामचंद्र के रूप में महित होकर के रामचंद्र के साथ विवाह प्रस्ताव दिया, किंतु भगवान रामचंद्र उनके साथ विवाह नहीं किया। इसलिए शूर्पणखा रामचंद्र की सहधर्मिणी पत्नी सीतादेवी को ग्रास करने के लिए मारने के लिए प्रयास की। उस समय रामचंद्र के इशारा से लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक और कान काट दिया था। वही शूर्पणखा द्वापर युग में कुब्जा के रूप में आए हैं, इसलिए कुब्जा की भी उद्धार करना यानी शूर्पणखा की मनोवांछा पूर्ण यानी कुब्जा के मनोवांछा भी पूर्ण किया कृष्ण अवतार। दंडकारण्य में जिस समस्त गोपी लोग जिस समस्त ऋषि लोग गोपी भाव में भजन कर रहे थे और वे लोग भगवान रामचंद्र के दर्शन करके और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, अर्थात रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय भगवान रामचंद्र ने कहा, इस राम अवतार में मैंने एक पत्नी व्रति धारी कर लिया, सीता छोड़कर किसी के विवाह नहीं करें, किंतु आप लोग की मनोवांछा पूर्ति करने के लिए मैं यह वर देता हूँ, रामलीला के पश्चात कृष्ण लीला में आप लोग के सारे मनोवांछा पूरा करूँगा। वह समस्त दंडकारण्य ऋषि लोग योगमाया की कृपा से ब्रज में जन्म लिया और भगवान कृष्ण उनके साथ भी रास विहार आदि की। और विशेष करके जनकपुरी में भगवान रामचंद्र जब प्रवेश किया, उस समय जनकपुर की कन्याएं भगवान रामचंद्र के रूप में मुक्त होकर के उनके प्रति के रूप में प्राप्ति करने के लिए इच्छा प्रकाश की। उस समय भगवान रामचंद्र भी जनकपुर के रहने वाली कन्याओं की मनीमन वर दिया, जावलू के सारे मानव वंशा द्वापर युग में कृष्ण अवतार में पूरा करूँगा। लिखा कुछ नहीं, कितने कारण दिखा रहे, एक भी लिखा नहीं। शरण सीता के बारे में भगवान रामचंद्र जब यज्ञ किया, उस यज्ञ में शरण सीता प्रस्तुत करके भगवान रामचंद्र पूर्णाहुति दी,
इसलिए वह समस्त शरण सीता भगवान रामचंद्र जी निकट प्रार्थना किया, जहाँ हम लोग कहाँ जाएंगे। तो उस समय भगवान रामचंद्र ये भी कहा, सब अब लोग द्वापर युग में गोपी गर्भ में जन्म ग्रहण करोगे और उस समय आप लोग की मैं मनोवांछा पूरा करूँगा। इसलिए वो समस्त शरण सीता की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए भी कृष्ण प्रकट हुए। प्रिष्णी ये द्रोण और धरा की कथा भी आते हैं। द्रोण और धरा हजारों साल तक ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले वरं ब्रूहि, वर मांगो। उस समय द्रोण और धरा यह वर मांगा, ये भगवान के प्रति हमें वात्सल्य भाव उत्पन्न हो। तो वही द्रोण धरा कृष्ण लीला में नंद जसोदा के शरीर में प्रवेश किया, प्रवेश करके वात्सल्य आस्वादन किया। इसलिए द्रोण धरा की भी मनोवांछा पूर्ति करने के लिए द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। अभी कृष्ण लीला में आ जाइए। जैसे कृष्ण एक एक करके असुर वध किया, उसके बारे में हम लोग भी आलोचना किया था कल। कृष्ण पहले किसको वध किया? पुतना को वध किया। पुतना के वध के द्वारा भगवान ने ये शिक्षा दी, छल और कपट जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, है कि नहीं? छल और कपट को क्या करना पड़ेगा? त्याग देना पड़ेगा। छल कपट क्या है? ऊपर से एक और अंदर से एक है? कुछ लोग होते हैं ना, बाहर से मीठी मीठी बात करते हैं, है? आपको लुभाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात करें, किंतु अंतर हृदय में पूरा जहर पड़ा भरा हुआ है, जहर समेत विष भरा हुआ है। यह क्या है? छल कपट कहा जाता है। इसलिए भगवान ने क्या कर ये छल और कपट के नष्ट किया, मार डाला। पुतना की ही तो तात्पर्य है, पुतना जो पवित्र है ही नहीं, अपवित्र है। भगवान हृदय में कब प्रकट होते हैं? पवित्र हृदय में। अपवित्र हृदय में भगवान प्रकट नहीं होते। जो लोग छल कपट है, माने ऊपर से एक बोलते हैं और अंतर हृदय में दूसरी भावना रहते हैं, है उसी की कहा जाता है शूद्र कहा जाता है। सोचनातिथि शूद्र भक्ति सिद्धांत शास्त्र प्रभुपाद शूद्र किसको कहते हैं और ब्राह्मण किसको कहते हैं? हैं क्या शूद्र? शूद्र जाति है ना, शूद्र यानी सोचनात, जो सोचते रहते हैं, है? असत्य के सत्य मान करके चलते हैं, है? वो शूद्र है, वो छल कपट है, वो छल कपट, वो शूद्र है।
आर्जवम ब्राह्मणी साक्षात अनार्जवम तत् वैलक्षणम। ब्राह्मण के गुण क्या है? सरलता, और सरलता ही वैष्णवता। जो जितने सरल होंगे वो उतना ही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है, है? और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वही वैष्णव है। आसम क्या बोला? ब्राह्मण किसको कहा जाता है? सिंपलिसिटी, जो सिंपल है, जो छल कपट नहीं रखते, ठीक है, उसके ब्राह्मण कहा जाता है। सरलता, और सरलता ही वैष्णवता, अर्थात ब्राह्मण ही शुद्ध वैष्णव हो जाता है, और कुछ नहीं। इसे ये पुतना वध का के द्वारा स्वयं भगवान यह दिखा रहे हैं। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयापया पायपसादि लेभि गतिं तत्रोचितं ततो अन्नं कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं, अत्यंत आश्चर्य होकर के वर्णन कर रहे हैं ये भगवान कैसे करुणामयी और दयालु है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं, वकीयं माने बकासुर की बहिन पुतना, अहो वकीयं स्तनकालकूटं, बकासुर की बहिन पुतना आई कैसे ब्रज में? न स्तन में कालकूट विष लगा करके जिघांस माने हत्या करने के लिए है। पायत उपी असाधि, वो असाधि असति है पुतना, अपने वह विष को जो स्तन में लगा हुआ है उसको पान कराना चाहती है। ले भी गोदिंग धातु चितन तत्व अन्नम, और भगवान ने उसको क्या की, मार करके धातुचित गति दे दिया है। कहाँ पर? गोलोक में, वृंदावन में नहीं है। कह बा दयालु शरणम ब्रजेम, ब्रज में ऐसे कौन दयालु है, करुणामय है? उतना कोई भजन साधन नहीं किया है, अनुकूल कोई सेवा नहीं किया भगवान, और भगवान ने उसको क्या कर दिया, ऐसे सर्वोत्तमा गति को दे दिया है। बड़े बड़े जोगी लोग, ऋषि लोग, संत महात्मा हजार साल भजन करके भी ऐसे उत्तमागति प्राप्ति नहीं करते। गोलोक में माँ यशोदा की परिचारिका के रूप में है, उसमें धातुचित गति वो दे दी है। बच्चा को देखभाल करने के लिए जो सेविका होती है उसी की कहा जाता है धात्री, धात्री का है। आप बताओ, साधारण रूप में भगवान
जीव के जो असुर को जो मारते हैं और मार करके उनको क्या देते हैं, साजिश गति दे देते हैं, इससे अधिक नहीं है। किंतु पुतना के कौन से गति दी है, वो भी गोलोक में है। गोलोक में माँ जशोदा के परिचारिका के रूप में, सेविका के रूप में मान धात्रोचित गति है। इसलिए कह रहे हैं यदि पुतना अनुकूल रूप से यदि सेवा करते हैं तो भगवान उनकी कौन सा गति देते, ये कौन वर्णन कर सकते, समझ में आ रही है। पुतना कृष्ण के मारने के लिए तो आई थी, वो भी कृष्ण छोटा बालक, 6 दिन के बालक था। छोटा बालक की कोई मारता है, पुतना कितना दुष्ट था, दुराचारी था। इसलिए कह रहे असाध्य असती है, पुतानी की क्वालिफिकेशन क्या है, पुतना बालघातिनी रुधिरसना है। पुतना जो छोटे छोटे बच्चे को मार डालते हैं, और रुधिरसना माने खून की वो पी जाती है आगे है। ऐसे दुष्ट दुराचार पुतना है, इसके शरीर से कितने दुर्गंध निकलता था है, इसलिए ना जो प्याज लहसुन मांस आदि खाते हैं उनके शरीर से भी वही गंध निकलता है। जो प्याज खा लिया कि लहसुन खाए, उनके पास बात करो, देखो गंध आएगा मुंह से है। प्याज लहसुन की गंध आएगी नहीं आएगी, आपका अच्छा लगता है बोले बहुत दिन छोड़ दिया, कहाँ से आ गए क्या बोला, बोले बहुत दिन छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, प्याज लहसुन फिर दोबारा आ गया कि जो कहने की ये तात्पर्य है, जो व्यक्ति जो आहार करते हैं, भोजन करता है वह गुण उनके पास तो वही आ जाएगा, है कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सात्विक भोजन करो, सात्विक मन आएगा है। राजसिक भोजन करने से राजसिक गुण आएगा, तमसिक भोजन करने से तमसिक गुण आएगा, है कि ये प्याज लहसुन आदि ये सब ग्रहण करेंगे तामसिक खाद्य में आ जाता है। भगवान सब सृष्टि किया खाने के लिए, किंतु कौन खाएंगे कौन नहीं खाएंगे वो भी विचार तो दिया ना, इसलिए तामसिक भोजन निषिद्ध कहा गया। क्या बोला, कौन सा भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन, आहार शुद्ध चित्त शुद्ध, चित्त शुद्ध ही ध्रुवाणु स्मृत स्मृति लब्धे ब्रह्म। आहार यदि भोजन आहार यदि पवित्र हो, निर्मल हो, सात्विक हो, मन हमारे सात्विक होगा है क्या। और आहार भोजन यदि हमारे पवित्र नहीं हो तो मन भी पवित्र नहीं। इसलिए बहुत लोग कहते हैं भाई भगवत भजन करने के लिए ये भजन के प्रति प्रतिबंधक क्यों लगाया जाता है, हम तो जो इच्छा में खाना चाहते हैं और नाम भी करेंगे, ठाकुर जी की पूजा करेंगे, लोग कहते हैं ना अरे तुम लोग ये मत खाओ, ये खाओ, वो मत ये खाओ, क्यों बोलते हो, बोलते हैं कि नहीं लोग, क्या बोलता है, एक मत खाओ वो मत खाओ है। चातुर्मास में बोलते हैं टमाटे मत खाओ है, और काल तो सब ये पुरुष तो सब टमाटर
खाते हैं इधर, इसलिए आहार शुद्धि होनी चाहिए। यदि सात्विक आहार हो, सात्विक विचार आएगा, है समझे, और तामसिक भोजन करो तामसिक विचार आएगा, राजसिक भोजन करो राजसिक विचार आएगा, समझ में आ रही ना। हम जो भजन भोजन करेंगे वही मेरा विचार आएगा मन में, इसलिए सूर्पणखा दुष्ट दुराचारिणी थे, नभचारिणी, नभ ने आकाश में विचरण करने वाले, कुछ रिद्धि सिद्धि प्राप्ति करनी है। ऐसे पुतना के उन्होंने किया, भगवान ने किया कि हत्या करके उनके गोलोक में माँ यशोदा की परिचारिका की पद दे दे है। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं वास्तव में पुतना की कौन सा गति दी, साजुज्य गति दी, बलि महाराज की करना। अच्छा इसके बारे में तो पुतना की भी कथा सुना है। पुतना वध के बाद से भगवान किसको वध किया, शकटासुर के वध किया है। शकट क्या है, शकट है जो जो गाढ़ा होता है, छकड़ा है जिसमें सामान रखते हैं और खींच करके ले जाते हैं, उसके छकड़ा का है, उसके उल्टा करके रख दिया था कृष्ण उस समय, कृष्ण की कोई जन्म नक्षत्र उत्सव में है। आवाज नहीं आ रहे, पता नहीं ये ऐसे रखे तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे। हाँ नहीं होता है, भालू की भांति बाल लगा दिया, सब भालू है ना, सब भालू भालू समझते हो, बियर देखने में सुंदर लगता है। पवित्र होना नहीं चाहते, देख करके सुंदर करके लगाओ कहीं, और ये लगाया जैसे पशु जैसे लगता, देखते अच्छा लगता है, सबकी भावना अलग अलग है। ये बाल फल लगाया कि हाँ, शकटासुर के बारे में कहा था, शकट शकट माने छकड़ा, जिसे ब्रजवासी लोग उसमें सामान रख करके फिर खेत को लेकर जाए। तो कृष्ण जब छोटा था और कृष्ण के जन्म नक्षत्र के उत्सव पर बाल गोपाल के जो है वो वहीं पर रख दिया छकड़ा के ऊपर है, उल्टा कर है,
तो उसमें क्या होता है, कृष्ण नीचे है और चक्रा की वो ऊपर क्या है, है? समान रखा है। तो गोपाल ने किया कि, और उस समय ये एक है कि अशरीरी होकर के वहीं पर भर होकर के, और उस समय माँ यशोदा किसी काम के लिए घर से बाहर आई है, रहनी भी दिव्य देवी भी नहीं थी। कृष्ण सर्वंतर जमी संग भगवान, सर्वज्ञ का भगवान में दो वस्तु रहता, एक सर्वज्ञता और एक मुग्धता। सर्वज्ञता होने के नाते कृष्ण जान गया ये दुष्ट आ गया मुझे मारने के लिए। कंस के अनुचर ये कंस के बोले, मैं अशरीर होकर के वहीं पर जाऊंगा और कृष्ण छोटा है, है? और वो छकड़े के ऊपर मैं ऐसे आविष्ट हो जाए, भार हो जाए और कृष्ण को दबा देंगे, कृष्ण मर जाएगा, है? समझ में आ रहा है? छकड़ा भी तो उल्टा करके रखा है ना, है? क्योंकि उल्टा करके इसे रखते हैं कुछ दही और जो सामान आदि जो है रखा जाए, है? कृष्ण छोटा बालक है किंतु सर्वंतर जमी भगवान, अरे दुष्ट असुर आ गया मुझे मारने के लिए, है? तो भगवान जानबूझ करके क्या कि बाल गोपाल ने किया कि पैर को ऐसे ऊपर उठा दिए, छोटा बच्चा है ना, उठा करके हंसने लगे और पैर को ऐसे किलकिल कर हंसने, और उससे देखो पैर को ऐसे जो उठाया वो छकड़ा गिर गया और उस छकड़ा सूर्य सूर्य अभिष्ट हुआ था बार बार और उसमें वो दब गया। कौन दब गया? ये उस सकटा सूर्य देख आए थे भगवान को मारने के लिए किंतु उल्टा फॉलो है। भगवान के पैर उस समय कितना छोटा छोटा, डेढ़ इंची पाया पैर मिला है, इतना से ज़्यादा नहीं, डेढ़ इंची पाया, और उसे और भी पैर कैसे सुंदर कोमल पैर, सर्प ये इसकी बोले बहुत सॉफ्ट है, और बच्चा ऐसे ऐसे करके हाथ उठ पैर के ऐसे कर लगा दिया और वो गिर गया और दब गया। इसी प्रकार भगवान ने सकड़ासुर को, सकड़ासुर वध के लक्ष्य क्या है, शिक्षा क्या है, है? इसमें अनेकों शिक्षा हैं। जैसे कृष्ण देखो, कृष्ण की उत्सव हो रहा है, है? और कृष्ण की अकेला रख करके चले गए, कृष्ण बोले मैं अकेला कैसे, मैं अभी छोड़ के चले, है? तो कृष्ण ये असुर आदि वध के द्वारा है अपने प्रति अधिक प्रेम को जो आकर्षण किया है। क्या प्रेम के नवीनीकरण कहा जाता है, है? आ समझ में, है? इसलिए ये जो क्या मनाते हैं एनिवर्सरी में क्या मनाते हैं, है? विवाह की एक साल बाद दूसरा वर्षगांठ किसे मनाते हैं, वो उस प्रेम के जो है नवीनीकरण करने के लिए। नवीनकरण क्या है, नया करके और उत्साह बढ़ाने के लिए, है? इसे कहते हैं प्रेम नवीनीकरण करना, है? आज नहीं, कोई वस्तु जब बहुत दिन हो जाता है ना उसमें आनंद नहीं होता, उसके क्या करो, नया करके बना, है? पुराना घर में रहने अच्छा नहीं लगता तो घर को क्या करो, बेच दो और नया मकान खरीदो, है? ठीक उसी प्रकार प्रेम का भी नवीनीकरण होता है,
है। ये सकट, सकट के बारे में बताया, ये सकट क्या चीज है? भारत ग्राही, भार वस्तु के लेकर के चलते हैं। जो वस्तु भारी है, असार है, एक सारग्राही और एक भारग्राही। भार के उदाहरण दिया ना, केवल कान में लेकर के चल रहे हैं। एक व्यक्ति चलते चलते रास्ते में एक पत्थर मिला, भारी पत्थर मिला, उसके लेकर के चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उसके हाथ दर्द हुआ, फिर सीधी हाथ से ले गया कि बाएं उल्टी हाथ में लेकर चलने लगे। फिर जब उल्टा हाथ जब दर्द होने लगे तब कान पर रखा, कान में दर्द इसमें रखा, तो फिर सिर पर रखा है, तो दर्द होता है ना, क्योंकि इसको जब तक नहीं फेंक नहीं दोगे, छोड़ नहीं दोगे, तब तक तो तुम्हें वो क्या करेगा, कष्ट देगा है, देता है कि नहीं। तात्पर्य क्या है, संसार के लोग एक भार यानी एक बोझ लेकर के चल रहे, और उससे वो कह रहे हैं मैं दुखी हूं। दुख के कारण क्या है वो तो ढूंढो ना, संसार के सारे बोझ अपने सिर पर ले फेंक नहीं पाता, आसक्ति है ना, जैसे वो पत्थर के प्रति आसक्ति होने के ना, तो आज पत्थर पत्थर वो फेंक नहीं गया, बाएं हाथ से दाएं हाथ, दाएं हाथ से बाएं हाथ, फिर इस कान से लेकर इस कंधे में रखते हैं, कंधे में रखते हैं, कभी बाएं और कभी दाएं कंधे पर रखते हैं। और जब ये भी दर्द होना शुरू होते हैं तब कहाँ रखते हैं, सिर पर, और सिर पर जाते हैं और वो दर्द होना शुरू कर गया तब क्या करें, तो फेंकना पड़ता है, हैं? रास्ता तो बहुत दूर रास्ता है, लॉन्ग जर्नी है, आज लॉन्ग जर्नी है, कैसे लेकर के जाओगे, अंत में क्या करो, जब फेंक दिया तब शांति है। तात्पर्य क्या है, जब तक हम इस संसार में रहते हैं तो संसार की असार वस्तु के लेकर के हम चल रहे हैं, एक सार वस्तु और एक असार वस्तु। सार वस्तु क्या है, एकमात्र भगवत भजन, वो सार का है। जीवन की सार क्या है, कृष्ण सारा है, जीवन की सार है भगवत भजन, व्हाट इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ है, हम लोग के जीवन की सार क्या है, भगवत भजन है। यदि भगवत भजन नहीं किया और बाकी सब करते जा रहे, सब बेकार हो जाता है, अर्थ ही नहीं सब है। इसी प्रकार वो सकट असुर की तात्पर्य जो हो रहा है, ये असार वस्तु के लेकर के हम चलते जा रहे हैं, इसलिए भगवान सकटासुर की भी बात है, असार वस्तु की त्याग देना पड़ेगा, और सार वस्तु ग्रहण करो, सार वस्तु भगवत भजन, भगवत नाम है, ये सार है। ये सकटासुर, सकटासुर कौन था, बोले हिरणाक्ष के पुत्र उचकत थे। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में है, वो उखाड़ करके कुचल दिया, कुचल डाला, तब ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, जा तू देहरोहित हो जा, माने तुम्हारा देह नहीं रहे, शरीर नहीं रहे, और शरीर होकर के तुम घूमते रहोगे।
तो फिर जब उठ लोमस ऋषि के चरण पकड़ के रोने लगे, लोमस ऋषि ने कहा ठीक है, द्वापर युग में कृष्ण आकर के तुमको उद्धार करेंगे। इसलिए वो उत्कच हिरण्यक्ष के पुत्र उत्कच लोमस ऋषि के श्राप से वो अशरीर हो गया और वही सकट के ऊपर अभिष्ट हो गया। भगवान को मारने के लिए प्रयास की और भगवान ने पैर के द्वारा से उछला तो वो सकट जो उनके ऊपर दब गया। किसके ऊपर? असुर के ऊपर, असुर मर गया। इसके बाद सकटासुर के बाद भगवान ने किसको मारा? त्रिनावर्त। त्रिन के बारे में हम कह त्रिन आवर्त त्रिनावर्त त्रिनावर्त पांडु देश के राजा सहस्राक्ष अपने पत्नी के साथ कोई जल विहार कर रहे थे। और उस समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि के वो उन्होंने सम्मान नहीं किया, इसलिए दुर्वासा ऋषि उनको अभिशाप दे दिया, जाओ तुम त्रिनावर्त रक्षस बन जाओ। त्रिनावर्त पूर्वजन्म में कौन थे? अरे पांडु देश के राजा सहस्राक्ष रानी के साथ वो जल विहार कर रहे थे। और उसमें दुर्वासा ऋषि आ गया। समझ में आया कि नहीं? सहस्राक्ष राजा के नाम था क्या? हजारों जिसके आंख होते हैं उसके सहस्र अक्ष सहस्राक्ष सहस्राक्ष सहस्र माने थाउजेंड, अक्ष मीन्स आंख। वो अपने रानी के साथ जल विहार कर रहे और इतने समय दुर्वासा ऋषि आ गए, किंतु दुर्वासा ऋषि के उन्होंने आदर सम्मान नहीं किया। तब उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया, या तुम अशरीर होकर गए त्रिनावर्त बन जाओ। फिर वो राजा ने दुर्वासा के चरण पकड़ के रोने लगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान कहने, जाओ द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण आएंगे तुम्हें उद्धार करेंगे असुर शरीर से। तो ये भगवान ने किया कि त्रिनावर्त के वध किया, जब बाल गोपाल थे एक दिन माँ यशोदा ने गृह के बाहर आंगन में चबूतरा में छोटा बालक की जो है रख दिया, धूप आदि लगने
बच्चा को धूप में रखा जाता है ना, शरीर पर तेल मालिश करा कर तेल लगा कर शरीर सख्त हो, लगा कि नहीं लगाते हो? नहीं नहीं लगा लगाया नहीं लगाया था है? सूर्य किरण में, सूर्य के रस में लगाया, उसमें विटामिन डी भी आ जाता है, है? आसन विटामिन डी की बहुत आवश्यकता है, प्रयोजनीयता है, है? भारतवर्ष में बिना पैसे में विटामिन डी मिल जाता है सूर्य की किरण से, विदेश में नहीं मिलता है, है? इसलिए वो लोग क्या करते हैं, समुद्र के किनारे में जाकर के ऐसे पड़े रहते हैं, है? और सूर्य की किरण धूप लगते हैं, उससे उसके शरीर आ जाए सख्त हो, है? आ समझ, हाँ ब्राज़ील जाने से तुम्हें सब पता लग जाएगा समुद्र के किनारे में ये सब दिखाई पड़ता है, अब पागल की भांति पड़ा रहता है शराब पी करके आराम से, धूप धूप लगती है और उसमें क्या लगा देते शरीर पर, तो उस समय एक ही है क्या करें, जो गोपाल के जो है बाल गोपाल के माँ जसोदा ने किया कि शरीर में तेल लगा करके है धूप में है, और इतने समय तनावर्तन किया कि अशरीर वहीं पर चारों तरफ है हवा ऐसी बेग ऐसी घूर्णी बता घूर्णावर्त करने है, धूल कंकड़ है और पत्ता आदि ऐसे घूमने, कभी कभी देखा ना ऐसे घूमता रहता, गोल गोल करके घूमता रहता, तो समझना चाहिए तनावर्त सुराग है, है? क्या अरे हमारे देश में नहीं आता है, सब जगह में आता है, और वो तनावर्त तो क्या की है? और कृष्ण के जो है वो उसके ऊपर उठा करके ले गए, छोटा बालक कृष्ण डर गए, तो भगवान ने क्या की तनावर्त के गला को ऐसे पकड़ कहीं गिर ना जाए, है किंतु तो भगवान जिसके ऐसे गले में ऐसे पकड़े तो गला दबा दिया ना मर गए, है धड़ास धड़ास के नीचे गिरा मर गए, है भगवान बोले मेरा दोष क्या है, है मुझे तुम लेकर के गए, है तुम मर गए तो तुम मैं क्या करूँ, तो वही जो है सहस्राक्ष तिनावर्त बने और दुर्वासा ऋषि की कृपा से भगवान ने उसके असुर शरीर नष्ट करा करके है और है मुक्ति लोक में भेज दिया, है भगवान श्री हरि के द्वारा जितने असुर मर जाता है उतना छोड़ करके सभी ने उगति पर साजु जो सालुक का शास्त्री आदि बात नल कुबेर और मणिग्रीव के उद्धार के लिए भगवान प्रकट हुए, जो नारद जी के अभिशाप से जमलार्जुन बने, क्या बना जमलार्जुन जम माने ट्विंस, है
अर्जुन भिक्षा, अर्जुन भिक्षा भगवान उसको भी दामोदर लीला के द्वारा जमलार्जुन के वध किया, भंग भंजन किया। और फिर उसे नलकुवर और मीनिंग मणिग्रीव से मधुकंठ और स्निग्ध कंठ हो गए थे। और एक रह गया बकासुर की कथा रह गया है। ये भी भगवान जितने असुर के मारा सब बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सुंदर लीला रस रस है। ये बकासुर बगुला है, कृष्ण लीला में कृष्ण जब गोचारण कर रहे थे है, अथवा गोवत्स चारण कर रहे थे है। वो राक्षस कंस के द्वारा प्रेरित होकर के जमुना के किनारे में बगुला के रूप धारण किए करके बैठा हुआ। ये कृष्ण अकेला किसी प्रकार ये जमुना के किनारे में आ जाए पानी पीने के लिए, तो मैं चोंच के द्वारा उसको मार डालू है। और भगवान ने किया कि उसको मार डाला। जैसे हम जाते हैं खैरा में जाते हैं खैरो इसे नाम पड़ गया खैरा है। ये दुष्ट बकासुर है, इसको भी भगवान ने मारा। ये बकासुर कैसे बना जानते हो? वो एक ऋषि, क्या नाम था, देवधर्म से बोल रहे हैं, वो जब स्नान कर रहे थे और ये दुष्ट व्यक्ति जो है वो मछली को पकड़ करके लाए और मछली के शरीर के जो है अष्टवक्रन और कोई एक ऋषि है उसे शरीर पर वो मछली के जल पड़ने लगे, तो ऋषि ने उनको अभिशाप दिया है, तो मेरे शरीर को क्या कर दे, अपवित्र कर दे। मछली को कौन खाता है? बगुला खाता है, या तू बगुला बन जा, क्रेन है। इसलिए वही बकासुर कृष्ण लीला में आ गए और भगवान उसको भी मार करके सजुज गोति आदि दे दी। बका से नलकुबेर मणि के फिर जय विजय के उद्धार के लिए भी स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। वैकुंठ के जो द्वारपाल जय विजय चारों कुमार के द्वारा अभिशप्त हो गए और तीन जन्म के लिए इस धाराधाम में आए असुर होकर। रावण पहले किया था हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु सप्त युग में है, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण और दापर युग में शिशुपाल दंतवक्र है, और कलि युग में जगाई और माधा है। लीला उद्धार किया सब, ये सभी असुर को उद्धार किया। अच्छा
फिर ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी के मन में भी शंका उत्पन्न है। तेन कृष्ण सुखाओं के झूठन ग्रहण किया, इसलिए ब्रह्मा जी विचार करने लिए भगवान है कि नहीं उसको परीक्षा ली। फिर अंत में देखा ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, कृष्ण साक्षात भगवान है। धुरंधरा के कथा सुने, इसी प्रकार अनेक कारण बताया गया जिससे संग भगवान मनुष्य की भांति स्वरूप प्रकट करा करके इस धराधाम में 125 साल तक लीला विहार आदि की। ब्रज में कितने दिन रहे कृष्ण? 10 साल 8 महीने, करीब करीब 11 साल मान है। और इसके पश्चात कृष्ण मथुरा, फिर मथुरा में भी कुछ दिन रहे, कितने दिन रहे मथुरा में है? कितने साल? तो इसी प्रकार कृष्ण और विशेष करके कृष्ण लीला में देखा जाए कृष्ण केवल माँ यशोदा के स्तन पान करते हैं छोटा भाई। दूसरी जो मातृस्थानीय गोपियाँ विचार करने लगी ये कृष्ण हम लोग भी स्तन पान करें, इसलिए स्वयं कृष्ण योग माया के द्वारा ब्रह्मा के हृदय में एक शंका उत्पन्न करा दी, जैसे ब्रह्मा जी गुवत्स आदि हरण किया, सखाओं के हरण किया, ये सब भी दिखाया। मैं ये कह रहा था कृष्ण की ब्रह्म विमोहन लीला किस लिए हुआ, कारण क्या है, इस लीला की शिक्षा क्या है? शिक्षा यह है, ये गुरु और भगवान के प्रति कभी संशय करना नहीं चाहिए, संध्या करनी चाहिए। संध्यात्मा विनश्यति, ये दिखा चलो आगे बनल रहे। अच्छा वंशा कृपा सिंधु बलिदान पावने भो वैष्णवे भो नमो। अभी प्रतिफल कीर्तन, कीर्तन के बाद गुरु भैया और नितल अपने भक्ति राम के सम्मान के आविर्भाव की है, एक हाँ कैसे आविर्भाव की है इसमें उनकी कथा शाम को वर्णन करेंगे, जो आ जाए तो वही वर्णन करेंगे, शाम नहीं है दिन नहीं है। चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय। पुतना बता रहे हो तो आप अभी तक पुतना बोल के सार क्या बता हमको याद नहीं, घर से निकली तो काल तो फिर जब आई थे तो बोला था।